तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की। थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। टॉपिक का नाम है कारनोट थ्योरम। सैडी कारनोट जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट था, मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसने कारनोट साइकिल इंट्रोड्यूस किया था। जस्ट पिछला लेक्चर कारनोट साइकिल के ऊपर ही था, आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस में लेक्चर 1, 2, 3 सारे आपको मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में कारनोट थ्योरम पे आपको लिए चले जा रहा हूं। समझने के लिए सबसे पहले दो रिजर्वॉयर्स के ऊपर ध्यान दो, थर्मल एनर्जी के दो रिजर्वॉयर्स। एक को सोर्स कहते हैं, एक को सिंक कहते हैं, आपको पता है। अब तो सोर्स जिसका टेम्परेचर मान लो T1 है, मेंटेन किया हुआ उतना टेम्परेचर, ठीक है। सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है, उतना मेंटेन किया हुआ है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, याद रखो T1 T2 से ज्यादा है, ओके। अब सोर्स में से हीट ली जाएगी और सिंक में रिजेक्ट की जाएगी। कौन करेगा ये काम? ये काम करेगा आपका हीट इंजन, ओके। तो अब हमारे पास मान लो दो इंजन हैं। कितने इंजन हैं? दो हैं। कौन कौन से? एक तो ये रहा इंजन, जिसको मैं कह देता हूं इंजन 1, और एक इंजन है ये इंजन 2, ठीक है जी। और यहां पर एक कंडीशन लगा रहा हूं साथ में कि इंजन 1 जो है दैट इज इरिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल, और इंजन 2 जो है वो रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन जो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर काम करे, थर्मोडायनामिक साइकिल। इरिवर्सिबल इंजन जो इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल के ऊपर काम करे। रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, चलो पीछे शुरू के लेक्चर्स में जाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सोर्स और सिंक दोनों के बीच में ऑपरेट होने वाले ये दो इंजन हमने लिए। मजे की बात ये रही कि दोनों ही इंजन सेम सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका सोर्स अलग है, इसका सोर्स अलग है, नहीं, दोनों का सोर्स एक है, दोनों का सिंक एक है, ओके। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला इंजन भी इसी सोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला इंजन भी इसी सोर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, और ये दोनों ही इंजन एक ही सिंक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरेक्ट करता है इंजन, ये भी आपको पता ही है ना। मान लो इस इंजन ने सोर्स से कितनी हीट ली, Q1, तो कुछ ये वर्क भी प्रोड्यूस करेगा और बाकी की बची हुई जो हीट है Q1 - W, उतनी हीट को वो सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही ये दूसरा इंजन मान लो Q2 हीट ले रहा है, W2 कुछ वर्क कर रहा है, W2, ये W1 कर दीजिए, तो बाकी की बची हुई हीट Q2 - W2 ये सिंक में रिजेक्ट कर देगा। और इंजन की थर्मल एफिशिएंसी के बारे में भी आपको पता ही है ना, चलो बाद में आता हूं फिर से, लेकिन उससे पहले कारनोट थ्योरम डिस्कस करते हैं। कारनोट भाई साहब ने क्या कहा? कारनोट ने कहा कि भाई जितने मर्जी इंजन आप ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि सेम सोर्स और सिंक के बीच में काम करें, सेम सोर्स सेम सिंक, उनके बीच में ऑपरेट होने वाले जितने मर्जी इंजन ले लो, उनमें से जो रिवर्सिबल इंजन होगा वो ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, यानी सबसे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी उसी की होगी और किसी इंजन की एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। तो यहां पर ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, कहने का मतलब है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इससे। बाकी जितने मर्जी आप इंजन लगाते जाओ T1 और T2 के बीच में, जो रिवर्सिबल है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ये कहा था कारनोट थ्योरम ने, स्टेटमेंट देख लो, यहां लिख देता हूं, फिर आगे प्रूफ में आपको लेकर जाऊंगा। हां जी, तो ये कहना था कारनोट का कि नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर। यही बताया ना मैंने आपको, अगर सेम लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करने वाले बहुत सारे इंजन भी हैं, तो नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल सबसे ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले फर्दर हम इसके प्रूफ में चलते हैं, क्योंकि रटना किसी बात को नहीं है, हर चीज का बारीकी से कॉन्सेप्ट समझना है। और इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, दो स्टेप में इसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। हमारे पास दो इंजन है ना, एक तो है इरिवर्सिबल इंजन और एक है रिवर्सिबल इंजन, ठीक है जी। रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, एफिशिएंसी का सिंबल ले लेते हैं ईटा, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, ये स्टेटमेंट तो ये कह रही है भाई एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल
रिवर्सिबल इंजन से कम होगी। यही कहा ना कार्नोट ने, रिवर्सिबल की ज्यादा होगी, इरिवर्सिबल की कम होगी अगर दोनों सेम टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब कार्नोट जी आप बहुत गलत बोल रहे हो, सच्ची बात तो यह है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन ज्यादा है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन से। ये मैं कह रहा हूं, कार्नोट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं। अगर मैं ऐसा कह देता हूं तो कार्नोट की स्टेटमेंट को मैं वायलेट कर रहा हूं, है ना। तो मैं यही काम कर रहा हूं, सपोज कर लेता हूं कि ऐसा है, इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, फिर मैं क्या करूंगा, अपना एनालिसिस करूंगा और एंड में जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया उसको देखूंगा, चेक करूंगा, तो वो क्या होगा, वो बहुत बड़ी वायलेशन बन जाएगी एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैंने माना था वो गलत था। बात समझ में आ गई ना। ये स्टेप वन में करूंगा और फिर स्टेप टू में क्या करूंगा, दोनों को बराबर करके देख लेंगे, एफिशिएंसी दोनों की मान लो बराबर है, रिवर्सिबल की भी इरिवर्सिबल की भी, फिर उसको भी एनालाइज करेंगे, तो वो भी बाद में एक बहुत बड़ी गलती के रूप में सामने आने वाला है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, फिर जब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो भाई एक ही ऑप्शन बचती है ना कि हे भगवान तू सही था, कार्नोट तू सही था, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन। तो कार्नोट की स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए हम इन दोनों को गलत साबित करने वाले हैं स्टेप वन में, स्टेप टू में। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या लेते हैं, लेट एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। याद रखना दोनों ही इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट्स में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सारे को मिटा के हम इस स्टेटमेंट की अजम्पशन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, तो हमने क्या किया स्टेप वन में, क्या किया पार्ट ए में, लेट एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। अब ये जो रिवर्सिबल इंजन है, मान लो ये रहा रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन ये क्या कर रहा था, ये कुछ हीट इस सोर्स में से ले रहा था और बदले में कुछ वर्क आउटपुट दे रहा था और बाकी की बची हुई हीट सिंक में भेज रहा था। कैसे कैसे, सोर्स में से मान लो इसने हीट ली क्यू, वर्क इसने परफॉर्म किया, रिवर्सिबल है ना, मान लो वर्क इसने परफॉर्म किया, एक साइकिल की बात कर रहे हैं, एक साइकिल में हीट, एक साइकिल में वर्क, वो है डब्ल्यू आर, और बाकी की बची हुई हीट यानी क्यू माइनस डब्ल्यू आर सिंक में इसने रिजेक्ट कर दी। ये ऐसे चल रहा था ना। तो एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन क्या होती है, ध्यान दो, एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन वो होती है वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन पर साइकिल, उसको डिवाइड कर दो किससे, जितनी हीट हमें उसको देनी पड़ रही है, हीट सप्लाइड क्यू, जितनी हीट देनी पड़ रही है एक साइकिल में वो नीचे रखो, उसके बदले में उसका कितना हिस्सा आपको वर्क में मिल रहा है वो ऊपर रखो, तो आपके पास 100% से तो काफी नीचे वैल्यू एक आती है, वो एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन बनती है। अब देखो मान लो IE यानी इरिवर्सिबल इंजन, ये रहा वो इरिवर्सिबल इंजन, एक और लगा देते हैं इरिवर्सिबल इंजन, ये इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मान लो रिवर्सिबल से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो अगर मुझे इस इंजन से भी सेम वर्क आउटपुट चाहिए, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, अगर मुझे इस इंजन से भी सेम वर्क आउटपुट चाहिए, कितनी WR, जितनी ये दे रहा था उतनी ही वर्क आउटपुट इससे चाहिए एक साइकिल में, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इरिवर्सिबल की ज्यादा है, आउटपुट दोनों की मुझे सेम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो मैं हीट सप्लाई करूंगा सोर्स से वो क्या होगी, फिर इससे कम होगी ना। बात समझ में आई, अगर दोनों का वर्क आउटपुट देखें और दोनों सेम है, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, इसका मतलब है इसे मुझे कम हीट देनी पड़ेगी, उसी से उतना वर्क मिल जाएगा, जितना वर्क इस रिवर्सिबल इंजन में ज्यादा हीट दे करके मिलेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है। कहने का मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी जो हीट इनपुट है इंजन की पर साइकिल वो इससे कम होने वाली है, क्यू से कम होने वाली है, ठीक है। कितनी कम होने वाली है, तो मान लो मैं लिख देता हूं क्यू माइनस डेल क्यू, भाई क्यू माइनस डेल क्यू, इतनी हीट पर साइकिल दो इस इंजन को, बदले में आपको ये उतना ही वर्क दे देगा जितना ये दे रहा था क्यू हीट लेकर, ज्यादा हीट लेकर, ओके। अब बाकी की बची हुई हीट को ये क्या करेगा, सिंक में भेजेगा, क्यू माइनस डेल क्यू, ठीक है, क्यू माइनस डेल क्यू माइनस डब्ल्यू आर, माइनस डब्ल्यू आर, ये होगी बात, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया, ये तब हुआ अगर ये चीज वैलिड है जो हमने मानी है अपनी तरफ से। अच्छा अब बात आती है रिवर्सिबल इंजन की, रिवर्सिबल इंजन को अगर हम रिवर्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, रिवर्स तो कर ही सकते हो, रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि सारे पैरामीटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो उतनी 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 ही रहेगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती चली जाएगी। और एक बात और कान खोल के सुनना, बड़े धीरे
से बता रहा हूं, वेरी वेरी प्रीशियस। वो क्या है, अगर आप एक हीट इंजन को रिवर्स करते हो तो वो एक रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। बस रिवर्स्ड हीट इंजन एक्ट्स एज अ रेफ्रिजरेटर। मेरी बात ध्यान से सुन लो, रिपीट कर रहा हूं, रिवर्स्ड हीट इंजन एक्ट्स एज ए रेफ्रिजरेटर, और वाइस वर्सा भी है। कैसे, अगर आप इस रिवर्सिबल इंजन को अब उल्टा करके चलाते हो, रिवर्स करके चलाते हो रिवर्स मोड में, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब हमने इसको रिवर्स मोड में चलाया तो क्या होगा, ये सिंक में से जिसका टेम्परेचर कम था सिंक, उसमें से ये इतनी हीट लेनी शुरू कर देगा, तो हम डायरेक्शन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उतनी ही हीट ये इसमें से लेनी शुरू कर देगा और ऊपर सोर्स में क्यू पहुंचाना शुरू कर देगा, और ये अपने आप तो ऐसा नहीं कर सकता, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर में हीट ले जाएगा, क्या ऐसे ले जाएगा, नहीं, इसको फिर बाहर से वर्क देना पड़ेगा, बिना बाहर से वर्क इनपुट के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो नहीं हो सकती। तो जो ये वर्क डब्ल्यू आर जितने भी जाउल्स था ये पहले प्रोड्यूस कर रहा था जब ये इंजन की तरह बिहेव कर रहा था, अब क्योंकि हमने इसको रिवर्स करके चलाया है तो एग्जैक्टली इतना ही वर्क इसको अब देना पड़ेगा, बस ये बात है। रिवर्सिबल इंजन का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली डब्ल्यू आर ही अब इसको देना पड़ेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इररिवर्सिबल इंजन को अगर रिवर्स करोगे तो डब्ल्यू आर हिल जाएगा, ठीक है, ये फर्क है। तो कहने का मतलब जब आपने इसको रिवर्स किया तो डब्ल्यू आर कहां, तो ये प्रोड्यूस कर रहा था डब्ल्यू आर, अब इसको डब्ल्यू आर चाहिए, ये कहता है कि मुझे डब्ल्यू आर दो, तब लो से हाई टेम्परेचर की तरफ मैं हीट ले जा सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, इसको डब्ल्यू आर कहां से दें, भाई देखो इरिवर्सिबल इंजन एक साइकिल में डब्ल्यू आर प्रोड्यूस कर रहा था ना, तो यही वर्क उठा के किसको दे दो, इसको दे दो, ये लाइन इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसके वाला वर्क डब्ल्यू आर सफिशिएंट है, इतना ही चाहिए था इसको एक साइकिल में, एक साइकिल में ये इतना दे रहा है, एक साइकिल में इसको इतना चाहिए, दोनों को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सेटअप बनेगा, इरिवर्सिबल इंजन को हमने जैसा है वैसे ही चलाया, रिवर्सिबल इंजन को हमने रिवर्स मोड में चला दिया, ठीक है, तो सेटअप हमारा इस तरह से कुछ काम करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपके पास दो इंजन नजर आ रहे हैं, अगर हम इन दोनों को एक बाहर से केसिंग में बंद कर दें, बाहर से एनवेलप में बंद कर दें, तो आपको तो नहीं पता ना अंदर क्या है, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके सामने एक डिवाइस की तरह फिर हो गया कि ये एक सिंगल डिवाइस है, हमने बाहर से इसको ढक दिया। अब इसके अंदर इरिवर्सिबल इंजन चल रहा था, रिवर्सिबल चल रहा था, जैसे मर्जी चल रहा था, जो उसके पार्ट्स हो तो हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बाहर से ढका हुआ एक डिवाइस नजर आ रहा है कि भाई वो कुछ काम कर रहा है, दैट डिवाइस इज इंटरेक्टिंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक, दैट्स इट। तो हम उसी को जरा एनालाइज करके देखते हैं, कैसे, हमारे पास सोर्स था, मैं दोबारा से वही सोर्स बना देता हूं, देखो यहां पे बना रहा हूं, ये रहा हमारे पास वही सोर्स, एग्जैक्टली सेम सोर्स मैंने बनाया, कितने टेम्परेचर पे, T1 पे, ये हमारे पास सिंक था, तो ये रहा वो हमारे पास सिंक, एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर पे सिंक T2 पे, ओके। अब इन दोनों के बीच में एक ये डिवाइस इंटरेक्ट कर रहा था, वो कौन सा डिवाइस था, वो कुछ इस तरह से डिवाइस था, ये बना दिया हमने वो डिवाइस, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, देखना ये है कि ये डिवाइस इंटरेक्ट कैसे कर रहा है दोनों के बीच में, कैसे कर रहा है। अब देखो ध्यान से, क्यू माइनस डेल क्यू, ये डिवाइस एक साइकिल में सोर्स में से ले रहा था, और यही डिवाइस एक ही साइकिल में क्यू वापस भी किए चले जा रहा था सोर्स को, क्यू वापिस कर रहा है, क्यू माइनस डेल क्यू ले रहा है, इसका मतलब है क्यू क्यू तो कट गए और माइनस डेल क्यू नीचे की तरफ बच गए, है ना, Q और Q रिवर्स डायरेक्शन में है, खत्म, माइनस डेल क्यू बच गया नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ प्लस डेल क्यू, ऊपर की तरफ प्लस डेल क्यू, क्योंकि माइनस हीट के साथ लगना इसका मतलब डायरेक्शन ओनली, ये तो आपको पता है ना, डायरेक्शन की बात है, तो प्लस कर दोगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, माइनस डेल क्यू का फिजिकल मीनिंग तो यही है ना, प्लस डेल क्यू लेकिन ऊपर की तरफ। अच्छा, सिंक की अगर बात करें, क्यू माइनस डेल क्यू माइनस डब्ल्यू आर, क्यू माइनस डब्ल्यू आर, क्यू माइनस डब्ल्यू आर, ये देखो क्यू माइनस डब्ल्यू आर, यहां ये नीचे की तरफ, यहां ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए, सिर्फ माइनस डेल क्यू बचता है नीचे की तरफ, और उसको कैसे समझा जाए, ऊपर की तरफ प्लस डेल क्यू, ओके, बस बात बन गई। और दूसरा, इसके अंदर अंदर अगर आप देखोगे तो ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये वर्क खा रहा है, ये वर्क दे रहा है, इसको वर्क चाहिए, लेकिन ये डिवाइस क्या सराउंडिंग के साथ कोई वर्क इंटरेक्शन कर रहा है, क्योंकि वर्क एक ट्रांजिट फिनोमिना है, आपको पता है बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री के अक्रॉस कुछ वर्क ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा अगर डिवाइस देखोगे, ये तो बाहर सराउंडिंग के साथ कोई वर्क इंटरेक्शन ही ना कर रहा, यानी इसको ना तो कोई वर्क चाहिए
काम करने के लिए, ना ये कोई वर्क प्रोड्यूस कर रहा। इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, एक एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ले रहा है, उसको होने दो। लेकिन ये पूरा डिवाइस तो कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं कर रहा ना अपनी सराउंडिंग के साथ, तो इसको कोई भी वर्क यहां से नहीं चाहिए, ना ये कोई वर्क प्रोड्यूस कर रहा। बस यही बात है समझने वाली। अब ये सारी चीज आपके सामने कुछ ऐसे है, कहने का मतलब ये है एक ऐसा डिवाइस आपके हाथ लग गया दोस्तों, जो कि लो टेम्परेचर वाली बॉडी से, सिंक से हीट ले लेके डेल्क्यू हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में फेंकता चला जा रहा है और ये अपने आप चलता चला जा रहा है। इसको खाने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, इसको बाहर से कोई वर्क इनपुट नहीं चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको चलने के लिए बाहर से वर्क इनपुट लगातार चाहिए ही चाहिए, तब ये चल पाएगा। इसका मतलब है ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिकली वायलेशन बनगी ना, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली इन वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने माना था ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मानकर ऐसा हुआ था और इसको एनालाइज किया तो ऐसा हुआ, तो कहने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अजम्पशन वन जो हमने ली पार्ट ए में, वो हमारी बात गलत साबित हो गई, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चलते हैं पार्ट टू में, जिसमें दोनों की एफिशिएंसी बराबर करके देख लेते हैं फिर क्या बनता है। तो देखो, हाँ, तो अब हमने क्या किया, मान लिया दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, इसकी और इसकी। तो एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट बटा हीट सप्लाइड। तो अगर हम सेम वर्क आउटपुट दोनों इंजन से चाहते हैं, दोनों इंजन से सेम वर्क आउटपुट, डब्ल्यू आर मान लो रिवर्सिबल की आउटपुट है, तो इसकी भी डब्ल्यू आर, तो दोनों की एफिशिएंसी भी बराबर है, दोनों का वर्क आउटपुट हम सेम रख रहे हैं, इसका मतलब दोनों में हीट सप्लाइड अब कितनी हुई, दोनों में हीट सप्लाइड भी बराबर हुई। तो यानी कि सेम हीट चाहिए अब दोनों को, इसको अगर क्यू चाहिए इतना वर्क देने के लिए, तो इसको भी अब क्यू ही चाहिए उतना वर्क देने के लिए, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये फिर रिजेक्ट कितनी करेगा हीट, क्यू माइनस डब्ल्यू आर, क्यू माइनस डब्ल्यू आर, और ये क्यू माइनस डब्ल्यू आर ये भी इतनी ही रिजेक्ट करेगा हीट, ठीक है। और दोनों ही इंजन सेम सोर्स और सिंक के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था हमने, इस इंजन को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिबल इंजन है ना, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो जो हीट ये सिंक में रिजेक्ट कर रहा था पहले, अब इतनी ही हीट हम चाहते हैं कि ये सिंक से उठानी शुरू कर दे, तो ये उठाएगा आराम से, ठीक है। रिवर्सिबल इंजन है, पैरामीटर सेम रहेंगे, डायरेक्शन रिवर्स होगी, और उसके बाद ये सोर्स में से जो पहले क्यू हीट ले रहा था, अब क्यू हीट ये हाई टेंपरेचर वाले सोर्स में डालना शुरू कर देगा, यानी लो टेंपरेचर बॉडी से इतनी हीट लेके हाई टेंपरेचर वाली बॉडी में इतनी हीट डालना शुरू कर देगा। बदले में वर्क मांगेगा, वर्क जो पहले डब्ल्यू आर दे रहा था, अब इतना ही वर्क इसको चाहिए, है ना, इतना ही वर्क इसको चाहिए, तो वो वर्क हम इसको यहां से दे देते हैं जैसे पहले दिया था, क्योंकि ये इरिवर्सिबल इंजन बैठा है ना, वर्क प्रोड्यूस करता चला जा रहा है, एक साइकिल में डब्ल्यू आर इतना ही इसको चाहिए, तो देते जाओ इसको, इसका भी काम बन गया, तो ये चलता रहेगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, बोलने में तो कुछ नहीं जाता, चलता जाएगा, पर भाई साहब चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो देखना पड़ेगा ना। देखो, अब हमारे पास एक ये इंजन है, एक ये इंजन है, छोड़ दो इंजन है कि क्या है, बाहर से इनको ढक दो जरा एक बार। तो ये हमने बाहर से एक केसिंग में इनको ढक दिया, दोनों पार्ट्स को ढक दिया, दोनों इंजन्स को। अब हमारे पास दो रिजर्वायर थे एनर्जी के, सोर्स और सिंक, दोनों के बीच में एक डिवाइस काम कर रहा है जिसके अंदर कुछ भी क्यों ना हो, उसको छोड़ो एक मिनट के लिए। उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, उसके दो हिस्से हैं। पहला जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, उसको चलने के लिए क्यू हीट चाहिए, कहीं से चाहिए उसको चलने के लिए क्यू हीट चाहिए, जरूरी तो नहीं ना कि उसको इसी सोर्स में से हीट देनी है। इसके बगल में ये वाला दूसरा जो पार्ट बैठा है ना, वो क्यू हीट दे रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें, उसकी क्यू हीट को हम इसको सप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने इस लाइन की कनेक्टिविटी को तोड़ दिया। देखो, इसको क्यू चाहिए था, ये क्यों दे रहा है, हमने सोर्स बीच का बिचौलिया निकाल दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, इसकी जो क्यू आ रही थी ना, और इसको देनी शुरू कर दी। देखो कुछ इस तरह से, ये लीजिए, इसमें से क्यू निकल रहा था एक सेकंड में, वो वाली क्यू हमने इसको देनी शुरू कर दी, काम चलता रहेगा, रुकेगा तो नहीं ना। अच्छा, दूसरी तरफ क्यू माइनस डब्ल्यू आर ये दे रहा था सिंक में, फिर सिंक में से ये ले रहा था, सिंक को बीच में से हटा दो, तो ये जो क्यू माइनस डब्ल्यू आर दे रहा था, इसको डायरेक्ट देना शुरू कर दो रिवर्सिबल इंजन को, क्यू माइनस डब्ल्यू आर, बीच का सारा काम खत्म, ये सिंक भी फ्री हो गया। लीजिए, तो क्यू माइनस डब्ल्यू आर,
ओके, तो बाहर से आप देख रहे थे आपके पास एक ये डिवाइस था कुछ इस तरह से। अब देखो, अब आपके हाथ एक गोल्डन चीज लग गई। गोल्डन चीज क्या? एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसा डिवाइस आपके हाथ लग चुका है स्टूडेंट्स, जिसको ना सोर्स चाहिए ना सिंक चाहिए, उठा लो यहां से, कोई जरूरत नहीं है। और वो डिवाइस में क्या हो रहा है? डिवाइस में लगातार ये वर्क दिए चले जा रहा है, ये वर्क लगातार लिए चले जा रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट कुछ हीट दे रहा है, वो ये उठा रहा है, ये वाला दे रहा है, वो ये उठा रहा है। मतलब दोनों साइलेंट तो नहीं बैठे ना, दोनों एक्टिव है ना, दोनों पार्ट चल रहे हैं। मतलब ये पूरा डिवाइस अंदर से चल रहा है भाई, और ये चलता जाएगा। वंस स्टार्टेड, एक बार स्टार्ट कर दो, चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ये बन गया परपेचुअल मोशन मशीन। याद है ना, शुरू में बहुत पढ़ाया मैंने आपको परपेचुअल मोशन मशीन। क्या वो एग्जिस्ट करती है दुनिया में? नेवर एट ऑल। परपेचुअल मोशन मशीन नाम की कोई चीज ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो ये चीज कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये नहीं एग्जिस्ट कर सकती, इसका मतलब ये यहां से निकल कर आया था, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बचती क्या है हमारे पास ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। कारनोट को नमस्कार है, इसने जो कहा ठीक ठीक कहा कि नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन, यानी रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ही इरिवर्सिबल से ज्यादा होगी अगर दोनों को सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये रहा प्रूफ पूरी कारनोट थ्योरम का, बड़ा जबरदस्त पावरफुल इसका प्रूफ है, समझने के लिए भी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए भी। इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, एनालाइज कर लो। इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो अपलोड होगी, इसी के बेस पे होगी। एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं और देखूंगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसका आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन तो उसकी प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद ठीक ठीक आपको लिए चले जाऊंगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।